अरे भाई आज मेटल और नॉन मेटल का टेस्ट है, हटता तेरे को? नहीं हटता भाई, याद ही नहीं होती। रिएक्टिव सीरीज याद ही नहीं हो रही, इसने सारा दिमाग खराब कर रखा है। वैसे सारा बस यही नहीं हुआ पूरे चैप्टर में, बेटा वैसे क्या हुआ। दिक्कत होगी, क्या बात? मैम रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं हो रही। पता रिएक्टिविटी सीरीज, वो तो बड़ा आसान टॉपिक है, आपको क्यों नहीं याद हुआ? नहीं, याद ही नहीं हो रहा। वो ट्राई किया, ट्राई बहुत किया। आपको मेथड भी बताया था। चलो ठीक है, फिर आज आपको शॉर्टकट मेथड बताती हूँ, ठीक है? लेट्स ओके। ट्राई। चैनल फंक्शन ग्रुप चित्रा एंड माई सेल्फ संजीव शर्मा। तो आज मैं फिर आपके सामने हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज कुछ अलग करते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मैट्रिक्स। मोस्टली देखा गया है स्टूडेंट्स क्या है, याद करते हैं, रिएक्शन याद करते हैं, कहीं ना कहीं सीक्वेंस को भूल जाते हैं। हाँ, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कर सकते हैं, बट जो एवरेज या मॉडरेट स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिल्कुल सिक्वेंशियल स्टेप वाइज रिएक्टिव सीरीज से याद करना। तो आज थोड़ा सा इसमें बेसिक तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं। एज यू नो व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, ये वो सीरीज है जिसके अंदर हम मेटल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग रिएक्टिविटी में लाते हैं। मतलब ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी वाली मेटल्स होंगी, फिर उससे नीचे कम रिएक्टिविटी वाली, और सबसे एंड में सबसे लो रिएक्टिविटी वाली। हम किसी भी रिएक्टिविटी सीरीज को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है? और इसके बाद हम सबसे टॉप मोस्ट रखेंगे जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, जो कपल ऑफ सेकेंड में रिएक्शन कर जाती है पानी के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी। और फिर एज वी मूव डाउन, बाय मूविंग डाउन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, रिएक्टिविटी सीरीज विल बी अप टू गोल्ड, और उनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती जाएगी, ठीक है? तो लेट्स बिगिन। तो एज यू नो हमारे सामने है फर्स्ट नंबर पे, इसका जो पहला ग्रुप है वो एल्यूमिनियम का है, दैट इज पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है। सेकेंड ग्रुप आपका स्टार्ट हो रहा है जिंक, फिर आयरन, लेड, हाइड्रोजन एंड कॉपर, और थर्ड आपका है मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड। अब इसको याद कैसे रखें, इसको याद रखने का तरीका बिल्कुल आसान है। मैंने ये सिंबल लिए हैं और इनको याद में जा के का एन ए जो सोडियम है न कान्हा कान्हा सी ए कार एन जी मांगे कान्हा कार मांगे, और इसे एल्यूमिनियम अल्लाह जिंक जाने एफ ई आयरन के पीवी पंजाब का सिंबल होता है, तो मैंने डायरेक्ट इसको पंजाब का नाम दिया। एच के पंजाब का नेबरिंग जो स्टेट है वो हरियाणा है, जैसे हरियाणा दोनों की कैपिटल क्या है चंडीगढ़, जो सी से शुरू होती है, तो कॉपर सी यू स्टैंड फॉर चंडीगढ़। ये भी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हमने ईवी से वर्ड लिए हैं, काना कार मांगे अल्लाह जाने से पंजाब हरियाणा चंडीगढ़। और थर्ड ग्रुप है हम करते हैं जी, और इंडियन वॉइस क्या कहते हैं ए जी, और फॉरेन की वॉइस क्या कहते हैं ए यू। तो दिस ऑफ काइंड प्लस रिपीटेड है, कान्हा मांगकार मांगे अल्लाह जाने कि पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ है जी ए जी एंड ए यू। तो दिस इज द वेरी फनी वे टू लर्न दिस रिएक्टिविटी सीरीज। वन मोर पॉइंट आई वॉन्ट टू एड इन दिस, देखिए जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाए, आप एक साथ साथ के साथ एक और चीज याद कर लिए, जब आप इस लेसन में आगे बढ़ेंगे तो इसके अंदर एक्सट्रैक्शन आएगी कि आप मैटर्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। जो आपका फर्स्ट ग्रुप है आपको याद हो चुका है, तो उसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस से। बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी मेटल्स जो होती है उनके अंदर हाई एफिनिटी होती है, वो बहुत तेजी से ऑक्सीजन और वाटर से कंबाइन कर जाती है, कार्बन से भी जल्दी। तो कार्बन से भी उनका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो हम उनको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इलेक्ट्रोलिसिस से जो है एक्सपेक्ट करते हैं। जो आपका सेकंड ग्रुप है हम उसमें उनकी रिडक्शन कार्बन से करते हैं, इसे कहेंगे स्मेल्टिंग। थर्ड ग्रुप है उसे ज्यादा छोड़ने की जरूरत है, वो अपने नेटिव स्टेट में एडिटिव मिलता है। तो मैं वैसे रिपीट कर रही हूँ, कान्हा कार मांगे अल्लाह जाने फिर पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाँ जी ए जी ए यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।